चिकन बिरयानी स्ट्रीट फूड बस रेस्टोरेंट। जुगर नाम के गांव में अमित नीलेश नाम के दोस्त बस बिजनेस किया करते थे। अमित बस के ड्राइवर के तौर पर काम करता था। नीलेश बस से संबंधित सारे हिसाब देखता था। बस अच्छा खासा चलती थी। ऐसे कुछ दिनों बाद पूरे साल का हिसाब करने के लिए दोनों बैठे। हिसाब देखकर नीलेश से अमित, ये क्या भाई ऐसा हिसाब कि मेरी तनख्वाह के बराबर भी ना हो, बस तो अच्छा ही घूमी ना। नीलेश दगा धोखा फरेब कहते हैं रे इसे, इसलिए अब तुम्हारा और मेरा नहीं जमेगा, जाओ यहाँ से। अमित, जाऊँ यानी ऐसे कैसे, बस दोनों के नाम पर है ना। नीलेश, वो भी सोच लिया ना, बस से सारे अच्छे सामान निकाल दिया, अब वो बस स्क्रैप के बराबर है। इंजन 100 किलोमीटर के बाद रुक जाएगी, उस खटारा गाड़ी को ले जाकर क्या करोगे, वैसे अच्छा खर्च मिला ना। जाओ जाओ लेकर जाओ। और हाँ, गांव भर में मैं धोखेबाज हूँ, ये टाम टाम करना चाहो तो कर लो, मुझे शर्म लाज कुछ नहीं है। कहने से अमित अपना बस लेकर वहाँ से चले गया। ऐसे कुछ दिन के बाद बेचारे अमित के पास पैसे नहीं होने के कारण वो उस बस को वहीं छोड़कर क्या करना है सोच रहा था। एक दिन उसके पास गब्बर नाम का एक दोस्त आकर बिरयानी होटल शुरू करते हैं कहकर एक आइडिया दिया। तब अमित, भाई मेरे पास ये खराब बस के अलावा अब कुछ नहीं बचा, और बिरयानी होटल मुझसे नहीं हो पाएगा रे। गब्बर, तेरे बारे में मैं जानता हूँ रे, और अब तुम किसी पे विश्वास भी नहीं कर सकते, वो भी पता है, इसलिए यहाँ आया। हमारा बिरयानी होटल एक जगह पर फिक्स नहीं रखेंगे, तुम्हारे बस को अच्छे से मॉडिफाई करेंगे, उसी में खाना बनाने का सेटअप, वो चेयर सीटिंग सेटअप लगा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो जब कस्टमर खा रहे हैं तो हमारे बस को जहाँ वे जाना चाहते हैं वहाँ तक ले जा सकते हैं। तुम्हारा बस मुझे दे दो, उसे रिमॉडल करने की जिम्मेदारी मेरी है। कहा तो अमित हाँ कहकर मान गया। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद गब्बर उस बस को रेस्टोरेंट के रूप में तैयार किया। उसे देखकर अमित बहुत खुश हुआ। अब अमित से गब्बर, ये रेस्टोरेंट तेरा ही है रे, तेरे लिए करवाया, अच्छा बिरयानी मास्टर भी लगवा दिया हूँ, इससे तुम और तुम्हारे फैमिली अच्छे से रहना। एक और बात, ये बस को मना मत करना, जब मैं तकलीफ में था तब तुमने मेरी बहुत मदद किया, फिर मैं लौटाना सोचा लेकिन तुम कभी नहीं लिए। एक और बात, तुम अगर ये नहीं लिए तो तुम मेरे दोस्त भी नहीं। हाँ कहकर वो वहाँ से चुपचाप चले गया। अमित फिर इस बारे में सोचकर व्यापार शुरू किया। कुछ दिनों में ही बिरयानी स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट बहुत मशहूर हो गया, और तो और उसी में खाकर लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने भी लगे। इसकी वजह से उसमें कई लोग आने की चाह रख रहे थे। इस तरह वो बिरयानी रेस्टोरेंट से अमित खूब पैसे कमाकर दो बस लेकर उन्हें गांव में घुमाने लगा। इससे नीलेश का बस का व्यापार पूरी तरह से गिर गया। ये सब देखकर नीलेश को अमित पर खूब गुस्सा आया। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद अमित को देखने के लिए उसके बस रेस्टोरेंट पर गब्बर आया। दोनों खुशी से बात कर रहे थे तो वहाँ आया नीलेश। क्यों रे, तुम्हें इस रेस्टोरेंट से आए पैसे काफी नहीं है क्या, चुपचाप घूमने वाले बस को रोक दो, वरना मैं क्या करूँगा खुद नहीं जानता। यूं कहा वो सुनकर गब्बर, भाई तुम बड़े मर्द बनते हो ना, आओ नीचे जाकर बात करते हैं, कहकर उसे जबरदस्ती बस से नीचे उतारकर अच्छे से पीटा। उससे नीलेश भाग गया और कभी अमित के आड़े नहीं आया। अमित का चिकन बिरयानी स्ट्रीट फूड रेस्टोरेंट आसपास के गांव में भी बहुत मशहूर हो गया था।